अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे मीठे चावल, जिसे मुजाफिर भी कहते हैं और शीरा चावल भी कहते हैं। तो हम मीठे चावल बना रहे हैं, तो जिसके लिए हमें चाहिए, हमने ये इस कप के हिसाब से 300 ग्राम बॉयल चावल लिया था और उसे इस तरह से हमने 2 से 3 घंटे भिगा कर रखा था। तो 2 से 3 घंटे हमने भिगा के इसे निथार दिया और हमने 1 से 1.5 लीटर पानी लगेगा। सबसे पहले हम इसमें ये हमने 1 टीस्पून ज़ैफ़रानी रंग लिया है, जो हम आधा इसमें और आधा उसके शीरे में डालेंगे। हम ये गुड़ और शक्कर डाल के बना रहे हैं मीठे चावल, और ये बिल्कुल 1/4 टीस्पून हमने नमक लिया है। बस हम इस पानी को बॉईल करके पहले चावल उबाल के छान लेंगे, फिर हम बाकी के चीज़ें आपको बाद में बताते। पानी को हमने हमारा पानी अच्छे से बॉईल हो चुका है, उसमें हम ये चावल डालेंगे और साथ में इसके ये किशमिश, हमने 1 टेबल स्पून किशमिश लिया है और 2 टेबल स्पून हमने ये कच्चा नारियल लिया है और 1 टेबल स्पून हमने मौसियात खरबूज तरबूज के बीन लिया है। अब ये हम सब चावल में डाल देंगे और चावल बॉईल करके इसे निथार देंगे, फिर उसके बाद हम आपको बाकी के चीज़ें बताएंगे। ये हमारा पानी जो हमने बॉईल होने के लिए रखा था, उसमें सबसे पहले हम ये तरबूज के बीन डाल देंगे, उसके बाद हम इसमें ये किशमिश डाल देंगे, फिर उसके बाद ये खोपरा डाल देंगे। उसके बाद हम इसमें ये चावल को अच्छे से हमने उठा के रखा था ये डाल दें। इसे हम 5 से 6 मिनट तक बॉईल होने देंगे, फिर इसके बाद हम जिस तरह हम खुश्का बनाते हैं, सादे चावल जो बनाते हैं घर में, उस तरह से ही इसे हमें निथार के फिर इसे दम दे देना है। फिर इसे हम अच्छे से दम देने के बाद इसे पहले हम इसे अच्छे से पके बाद इसे निथार लेंगे, इसके बाद इसे दम दे देंगे 4 से 5 मिनट भाप निकले इतनी, फिर उसके बाद इसे हम इसमें शीरा वो डालेंगे। ये चावल हमारे अच्छे से बॉईल हो चुके थे, इतने नरम होने, इस तरह से नरम होने तक हमने इसे बॉईल किया है, इस तरह से, जिस तरह हम सादा खाना, सादा खुश्का जो बनाते हैं उस टाइप के से हमने बॉईल किया है इसे नरम होने तक। अब इसे हम निथार दिए हमने इसे, अब इसे हम दम देंगे 4 से 5 मिनट होने तक, एक भाप निकले तक इसे हम घी डाल के, इसे असली थोड़ा सा असली घी डाल के इसे हम दम देंगे। इसे हमने गैस पे कम आंच पे, स्लो आंच पे दम के लिए रख दिया है। इसमें हम इसी का पानी थोड़ा सा 1 से 2 चम्मच डाल देंगे, ताकि जो थोड़ी सी इसमें एक कनी जैसी थोड़ी सी जो सब थोड़ा सा इसमें जो टाइट है चावल जो, तो वो अच्छे से हम पानी डालने से अच्छे से दम हो जाएंगे। हमने 3 से 4 चम्मच इसमें पानी डाला है। अब ये इसमें हम असली घी डाल देंगे और बाकी का घी हम जब इसे हम बघारेंगे तब डालेंगे। बस अभी से हमें अच्छे से दम दे देना है, मिक्स करके इसे 4 से 5 मिनट होने तक से हम दम देंगे। अच्छे से घी इसमें मिक्स कर देंगे, ताकि चावल एक को एक चिपके नहीं। फिर बाकी का घी हम, तो अब इसे हम 4 से 5 मिनट तक इसे दम होने देंगे। इसके बाद हम इसमें शक्कर और गुड़ जो जो डालना है वो हम आपको बताएंगे।
चार से पाँच मिनट से हमारे चावल अच्छे से दम हो चुके हैं। अब इसे हम देखेंगे, चेक करेंगे। ये चावल हमारे अच्छे से दम हो चुके हैं, तो हमने अच्छे से नरम होने तक इसे इस तरह से नरम होने तक इसे हमने दम होने दिया था। अब इसमें हम शक्कर की चाशनी इसे अब हम बघारेंगे। तो इसके लिए हमें क्या क्या लगेगा अब हम बताएंगे आपको। तो हमने इसे दम देकर से बॉईल इसे निथार कर से दम देकर हम इसे रख देंगे। फिर इसके बाद हम बाकी की चीज़ें मिलेंगे। याद रखिए बहनों, कभी भी आप अगर मीठे चावल शीरा चावल जो मुजाफिर बना रहे हैं तो इसको आप चाहे तो इसे बॉईल करके इसे दम देकर आप एक कंटेनर डब्बे में उसको रख भी सकते हैं। आप दूसरे दिन भी इसमें बाकी की सब चीज़ें मिला सकते हैं जब का जब। तो इसे आप याद रखिए इसे कंटेनर में निकाल के रख दे सकते, ठंडा होने के बाद इसे रख दे। फिर आपको जब भी खाना हो तब उसमें सब खवा जो भी शक्कर चाशनी शक्कर और असली घी जो भी हम डाल रहे वो बाद में जब का जब डाल के इसे एक पैन में ऊपर नीचे करके खा सकते हैं। तो अभी हम इसमें जो मटेरियल मिलाने वाले हैं वो आपको हम फिर बता दें। हमने चावल जो बॉईल और दम दे के रखे थे उसमें हमें इसमें डालने के लिए हमें शक्कर लगेगी जी। हमने इसी माप से चावल लिया था, 300 ग्राम हमने चावल लिया था, तो हम उसके हिसाब से ही शक्कर डालेंगे। वैसे तो मुजाफिर में शक्कर चावल के डबल डालते हैं। अगर आप मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप डबल भी डाल सकते हैं। तो हम जितने चावल लिए थे उतने ही शक्कर डाल रहे हैं उसमें। ये हम 200 ग्राम यानी कि एक कप भर के शक्कर और आधा कप हमने इसमें गुड़ लिया है, आधा कप गुड़ लिया हमने। और हमें इसका क्रीम बनाने के लिए हमने एक कप दूध और थोड़ा सा आधा कप दूध लेंगे हम। और 100 ग्राम खोवा लिया हमने, एक टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर लगेगा हमें। और गार्निशिंग के लिए हमने 5-6 काजू लिए हैं और थोड़ी सी एक टेबल स्पून किशमिश लिया है। और एक टेबल स्पून हमने चावल दम करने में चावल के घी डाला था और अब एक टेबल स्पून बाद में डालेंगे। और चाशनी के लिए हमें ये फूड कलर लगेगा ज़ाफ़रानी रंग, ये हमने बिल्कुल आधा टीस्पून लिया है। और वैनिला एसेंस जो हम उसमें आखिर में डालेंगे। तो सबसे पहले हम इसी कप के हिसाब से बिल्कुल आधा कप हम पानी लेके गुड़ को थोड़ा इसकी चाशनी बना लेंगे और उसमें थोड़ा सा हल्के से शक्कर डाल के बस गुड़ पिघले तक ही हम उसे पानी को बॉईल करेंगे, शक्कर और गुड़ डाल के। और इसकी हम रबड़ी टाइप बनाएंगे कस्टर्ड। तो चलिए अब हम एक भगोने में सब डाल देंगे। सबसे पहले हम शक्कर की चाशनी बनाएंगे, फिर उसके बाद हम दूध से ये खवा वो डाल के इसका एक अलग से बैटर बनाएंगे। हमने ये आधा कप पानी डाल के इसमें गुड़ और फ्रूट कलर जो ज़ाफ़रानी रंग रखा था हमने वो डाल दिया। अब इसे अच्छे से मिक्स होने देंगे। इसके बाद इसमें हम जो शक्कर रखी थी वो भी डाल देंगे। बस हमें गुड़ घुलने तक ही इसे अच्छे से पकाना। इसके बाद हम इसमें ये शक्कर भी डाल देंगे। हमने थोड़ी सी शक्कर बचा दी है, अगर हमें लगा हमें फीके लगे तो हम उसमें और डाल देंगे। तो बहनों, आप अगर मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप जितने चावल ले रहे उतनी ही शक्कर ले या फिर उससे डबल शक्कर लें। हम पहले चावल चक्कर देखेंगे, फिर अगर हमें लगा
ये और लगेगी शक्कर, तो फिर हम इसमें ये और शक्कर डाल देंगे। इसे हम एक उबाल आने तक और गुड़ घुलने तक ही पकने देंगे। ये देखिए, ये अच्छे से हमारी चाशनी तैयार हो गई। क्योंकि ये चावल को हम बहुत ज़्यादा सख्त नहीं बनाना है, हमें थोड़े से ग्रेवी टाइप, थोड़े बस ऐसे कि बहुत ज़्यादा सख्त ना बहुत ज़्यादा नरम, तो इसलिए हम इसमें कस्टर्ड पाउडर और खवे की खवा और दूध भी डालेंगे। अभी हम ये अब हमारे हो चुके हैं, अब हम ये चाशनी तैयार हो गई है, अब हम गैस बंद कर देंगे। हमने एक भगोने में दूध लिया है, इसे हम बॉईल कर देंगे। फिर इसमें ये जो खोवा रखा था ये डाल देंगे, इस तरह से डाल देंगे, अच्छे से मिक्स होने देंगे। हमने एक कप दूध डाला है और थोड़ा हमने और आधा कप दूध लिया है, इसमें हम कस्टर्ड पाउडर घोल के डाल देंगे। टोटल हमने इसमें 200 से 300 ग्राम दूध लिया है, 2 कप दूध लिया है, क्योंकि हम थोड़ा इसमें से बाद में हमें गार्निशिंग के लिए भी लगेगा, तो इसलिए हम इसमें से थोड़ी सी रबड़ी रख लेंगे, आधी मिला देंगे और आधी रख लेंगे। ये अच्छे से हम पहले खोवे को अच्छे से मिक्स होने देंगे। कस्टर्ड पाउडर हमने थोड़ा सा बचा दिया है, 1/4 टीस्पून कस्टर्ड पाउडर बचा दिया हमने, हमें लगेगा क्या और चाहिए तो फिर हम और डालेंगे। अभी हमने इसमें एक टेबल स्पून को थोड़ा सा कम कस्टर्ड पाउडर डाला, इसको इस तरह से मिक्स कर दिया है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही टेस्टी बनता है ये मीठा। बहनों आप ज़रूर घर में ट्राई करें, हमारे पास सबको बहुत पसंद आता है ये मीठा। मुसाफिर गैस को अब हम स्लो कर देंगे। ये खवा हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है, अब उसमें हम धीरे धीरे ये कस्टर्ड पाउडर डालेंगे, कस्टर्ड पाउडर वाला दूध डालेंगे। बस हमें अब गैस बुझा देंगे, अब हम बस हमें ये इस तरह का ही चाहिए इसमें मिक्स करने के लिए। बस हमने इसे 2 से 3 मिनट तक ही पकने दिया है, तो चलिए अब इसे हम गैस को बुझा देंगे और अब चावल लेंगे हम। सबसे पहले पैन में हम घी डालेंगे।
ये जो घी रखा था हमने ये डाल लेंगे। और ये जो काजू रखे थे हमने इसे फ्राई करके पहले निकाल देंगे। काजू और ये किशमिश फ्राई करके निकाल देंगे। इसे बस गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे हम। अच्छे से फ्राई होने देंगे हम इसे। सबसे पहले हम इसमें से किशमिश निकाल देंगे। ये हमने इस तरह से इसे फ्राई करके निकाल दिया है। अब इसमें हम सबसे पहले चावल डालेंगे। ये जो चावल हमने निथार कर दम देकर जो रखे थे उसे हम इसमें डाल देंगे। इस तरह से इसके बाद एक चीज़ इसमें डालेंगे हम। सबसे पहले हम ये चाशनी डालेंगे इसमें जो हमने रखी थी। दो तीन मिनट तक पकने देंगे, फिर उसके बाद हमने जो खवे की जो रबड़ी बनाई थी वो डालेंगे। इसे हम चख लेंगे, अगर हमें लग रहा है कि शक्कर कम है तो हम इसमें और शक्कर डालेंगे। हमें कम लग रही है शक्कर तो हम ये जो बाकी की बची हुई थी वो भी डाल देंगे। मतलब टोटल हमने 300 ग्राम चावल लिए थे तो 300 ग्राम ही हमने 200 ग्राम शक्कर और 100 ग्राम गुड़ लिया था। और अगर आप गुड़ नहीं डालना चाहते तो आप 300 ग्राम शक्कर, पूरी शक्कर लेना है आपको तो आप 300 ग्राम शक्कर लें। और अगर आप और ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते तो फिर उसकी डबल शक्कर लें। यानी कि 300 ग्राम अगर आप चावल ले रहे तो 600 ग्राम शक्कर लें। तो ये भी इसे हम अच्छे से पकने देंगे। थोड़ा शीरा चावल में जब होने तक इसे थोड़ा पकने देंगे, इसके बाद फिर इस पे हम खवे की रबड़ी डालेंगे। इस पे हम एक ढक्कन ढाँप देंगे।
तरह से ढक्कन ढक कर दो से एक मिनट से एक मिनट तक पकने देंगे। से हम बीच बीच में ढक्कन हटा के चेक करेंगे। अभी से और दो से तीन मिनट हमें रहने देना है इसको। ये चावल हमारे तीन चार मिनट से पक रहे हैं, इसमें अब हम खवा वाला बैटर डाल देंगे। हमने ये कस्टर्ड और खवे वाला बैटर थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए आधा कप निकाला है, बाकी का इसमें हम डाल देंगे। हमने जो खवे की रबड़ी रखी थी वो उसमें डाल दिए हमने और इसे 5 मिनट तक पकने देंगे। इसका पानी जब सोए तक उसे 5 मिनट तक इसी तरह खुले ही पकने देंगे। इसे तो पूरी खवे की रबड़ी इसमें हमने डाल दी। वो चावल हमारे 5 मिनट से ये पक रहे हैं। इसका पूरा शीरा और जो हमने खवे और दूध का कस्टर्ड डाला है वो पूरा जब होने तक इसे थोड़ा और 2-3 मिनट पकने देंगे। और इसी बेस अब हम इसमें ये जो हमने खवा और रबड़ी खवा और कस्टर्ड वाला दूध जो था इसमें डाल के फिर 5 से 6 मिनट तक हमने इसे पकाया है। ये अच्छे से हमारा चावल अच्छे से मिक्स होके जब हो गया है अब हम इसमें वैनिला एसेंस डालेंगे। ये आधा बिल्कुल आधा टीस्पून वैनिला एसेंस डालेंगे। आप चाहे तो आप इलायची भी डाल सकते हैं आपके हिसाब से। बस अभी हम इसे और 1 मिनट तक पकने देंगे, इसके बाद इसे हम एक सर्विंग बाउल में निकाल देंगे। लीजिए बहनों, ये हमारा मुसाफिर जिसे शीरा चावल भी कहते हैं ये तैयार है। इसके हम ये जो हमने कस्टर्ड बचा के रखा था इससे हम इसकी गार्निशिंग करेंगे। इस तरह से इस पे इस तरह से डाल देंगे। इस तरह से इस पे गार्निशिंग करें। तो लीजिए बहनों, हमारा मुसाफिर तैयार है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें घर में और मुझे ज़रूर बताएं कैसा बना था। आप चाहे तो हमने इसे थोड़ा बहुत ज़्यादा चावल को उसको सूखने नहीं दिया था, हमने चावल को थोड़े लिक्विड टाइप ही रहने दिया था हमने इसे। तो अब इसे हम बस इस तरह से हमने इसे ना बहुत ज़्यादा सूखे ना बहुत ज़्यादा पतले, बस इस टाइप के हमने रखा है इसे। और ये इसे जब खाना है तभी इसे गरम गरम इस पे रबड़ी डाल के आप तब जब खाना है आपको तभी डालें इसमें खाली रबड़ी। बाकी आप है तो शक्कर की चाशनी वो डाल के पका के रख दें, उसके बाद है तो आप ये रबड़ी जब आप खाने बैठ रहे हैं तभी इस पे ये रबड़ी डाल के इसे गर्मा गर्म
सर्विंग करें। तो ये लीजिए, हमारे शीरा चावल तैयार है।